हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं 2019 के क्वेश्चंस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 9 नंबर है, देखते हैं क्या है। और ये जो चार क्वेश्चंस हमने लिए हैं 2019 के क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके बुक में भी नहीं है, कोई एक क्वेश्चन होगा जो बुक से मैच करता होगा, इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है ये थोड़ा सा ट्विस्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए बी इज टू सी स्क्वायर, बी सी इज टू ए स्क्वायर, सी इज टू बी स्क्वायर इज 1:1, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कंपाउंड रेशियो कैसे सॉल्व करना होता है। ए बी बी सी और सी ए, जिसका पहला पद होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए अनुपात का साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटू ए स्क्वायर हो रहा है, तो इससे ये ए स्क्वायर कटा, बी इंटू बी बी स्क्वायर भी हो गया और सी इंटू सी सी स्क्वायर भी हो गया। तो ये पूरा पार्ट कट गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इधर के पार्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आया और इधर के पार्ट में बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी के साथ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि इस तरीके से है, इफ ए बाई बी इक्वल्स बी बाई सॉरी ए बाई टू इक्वल्स बी बाई थ्री इक्वल्स सी बाई फोर, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो इस तरीके से एक इक्वेशन यहाँ भी, एक रेशियो यहाँ भी दिया हुआ है और कह रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, a by 2 equals b by 3 equals c by 4 equals हम k मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं कि ये k के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि k का मान, a का मान हम निकाल सकते हैं, a बराबर 2k, b equals 3k एंड c equals 4k, ठीक है। तो a b और c का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमें पुट करना है ये। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मैंने लिखा नहीं, यहीं पे मुझे लेना था ये वाला रेशियो, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये रेशियो भी लेना था, टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी बाई पी इक्वल्स के, इससे हम अज्यूम कर लेते हैं। मतलब टोटल को ही हमने के अज्यूम कर लिया, जो जितने पार्ट हैं उसके जितने रेशियो हैं सबको हमने यहाँ पे ले लिया। तो जब ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया, अब हम लेते हैं हमारा जो लास्ट वाला था उसे, उस रेशियो पे लेते हैं, ठीक है। तो नाउ हम लिखेंगे कि टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी बाई पी इक्वल्स के। अब हम इसे भी के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टू ए का वैल्यू हमें यहाँ पर 2k मिला, तो 2 into 2k माइनस 3 into 3k प्लस 4 into c का वैल्यू है 4k। तो सबको पुट कर देते हैं, ठीक है, ये के बराबर है। अब इससे सबको हम ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें मिलता है 4k माइनस 9k प्लस 16k by p equals k। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 9 11, तो यहाँ हमें जाता है 11k by p equals k। तो जब यहाँ हम p का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो p का वैल्यू pk equals 11k आ रहा है, तो k से k कैंसिल हो गया, p का वैल्यू कितना आ गया 11। तो यहाँ पे p का ही वैल्यू पूछा जा रहा है कि p का मान कितना होगा, तो p का मान हो जाएगा 11 के बराबर। इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमें इंडिविजुअली एक एक रेशियो को ले लिया और उसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 में है, इफ 3x माइनस 2y इज टू x बाई x प्लस 3y इक्वल्स 5 इज टू 6 हो, तो इस रेशियो को का हमें वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 2y इज टू का मतलब मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड x प्लस 3y इक्वल्स है 5/6, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिल जाएगा 6 3 18x माइनस 12y, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 15y, ठीक है। अब 18 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से 13x हो जाएगा, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 15 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 to 7 और ये 1 to 2, मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x by y एक रेशियो निकाल लेते हैं, x by y जो है ये y नीचे आ जाएगा, तो ये 30 नीचे जाएगा, तो 27/30, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे हम 1 नंबर, मतलब एक इस तरीके से इसका x by y का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये 2x प्लस 5y by 3x प्लस 4y, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा कुछ करें जो x बाई वाई के फॉर्म में ये दिखे, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में दिखे। तो अगर हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया,
तो 2x बाई वाई हम लिख सकते हैं 2x बाई वाई, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ही डिवीजन होता है, और यहाँ से हमने y कॉमन लिया था तो y से y डिवाइड होकर सिर्फ बचा पाई, ठीक है। उसी तरीके से हमने नीचे भी y को कॉमन लेना है, तो जैसे ही हमने y को कॉमन लिया, ये x बाई वाई यानी कि 3 इंटू एक्स बाई वाई हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब ये y से y कैंसिल, अब यहाँ आते हैं हम, ठीक है, यहाँ आते हैं, तो अब 2 इंटू एक्स बाई वाई का वैल्यू हमने निकाल रखा है 27/13, तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54/13 प्लस 5y। अब 3 से x बाई वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 इंटू 3 कितना हो जाता है 81/13 प्लस 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 13 एलसीएम आएगा, ठीक है, 13 एलसीएम आएगा और 54 प्लस 13/65 यहाँ भी हम 13 ले लेंगे एलसीएम, हमें क्या मिलेगा 81 प्लस 13/4 52, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 9 और ये हो गया 11, 190, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 133। तो जो आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया 119/133, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया, हमें सिर्फ x बाई वाई का वैल्यू निकालना था और दूसरे वाले रेशियो में पुट करना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है इस ईयर का 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल में है, लेकिन बच्चे एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू पुट दैट ए बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय जेड। और देख सकते हैं कि हमने तीनों रेशियो को यहाँ पे लिख लिया है और हमें ए बाई एक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंपोनेंटो। कंपोनेंटो का मतलब होता है कि इस रेशियो का जो अपर पार्ट है उसको एक साथ ऐड करते हैं और लोअर पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो बी प्लस सी, आप देख सकते हैं कि बी, मैं इसको नीचे लिखूंगी ताकि समझ में आए, लिखे अच्छे से, ठीक है। तो हम सारे ऊपर वाले पार्ट को ऐड करने जा रहे हैं, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी बाय नीचे वाला पार्ट y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब आप देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस ए प्लस ए ये रिड्यूस हो गया, प्लस सी माइनस सी, ठीक है, माइनस बी प्लस बी घट गया, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाय यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई और माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि ईच रेशियो मतलब कि प्रत्येक रेशियो जो है वो इसके बराबर है, इज प्रत्येक ईच रेशियो इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो जब सारे रेशियो एक एक करके इसके साथ इक्वल हैं तो सो वी कैन राइट कि जो पहला रेशियो हम लेते हैं, ये पहला रेशियो जो आपका है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसको पहले मैं लेती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा पहला रेशियो b प्लस सी माइनस ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब जब ये, अब हम यहाँ पे फिर से कंपोनेंटो लगाएंगे लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट कि ये जो है ये रेशियो इसके भी बराबर होगा अगर हम इसको माइनस कर दें तो दिस, मतलब ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे, नीचे से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ बी। अगर हमने माइनस लगाया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस सी है तो माइनस सी, माइनस ए है तो प्लस ए बाई, ठीक है। हमने कॉम्पोनेंडो लगाया, यहाँ पे लिखना होगा बाय कॉम्पोनेंडो, ठीक है। यहाँ भी हम कॉम्पोनेंडो लगा रहे हैं लेकिन वो माइनस वाला है, ठीक है। अब नीचे वाले से नीचे वाले को माइनस करना है हमें, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ दिस माइनस, तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस जेड है तो माइनस जेड, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे मिला क्या, अब देखते हैं, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, ए प्लस ए दैट इज टू ए बाई, यहाँ पे देखते क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई रिड्यूस प्लस जेड माइनस जेड टू एक्स, दैट इज हमें मिल गया ए बाई, ठीक है। तो मतलब ईच रेशियो इज इक्वल टू ए बाई एक्स हमें यहाँ मिल गया। उसी तरीके से सेकेंड रेशियो हम निकाल उठाते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड रेशियो
नाउ टेकिंग लेते हैं कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे भी वही करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, वो ले लेते हैं सी प्लस ए माइनस बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाले में से, इसे ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे को, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी हो जाएगा माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस करेंगे तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों के आगे प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब हम इसे माइनस कर देते हैं, कट गया ये, इससे कट गया टू बी, टू बी बाय यहाँ से एक्स से एक्स कट गया प्लस जेड माइनस जेड टू वाई, तो क्या आ गया बी बाई वाई। आप देख सकते हैं कि जो हमें चाहिए ए बाई एक्स बी बाई वाई आ गया है, अब हम सी बाई जेड निकालने वाले हैं। ठीक है, अगेन अगेन हम तीसरा रेशियो लेंगे, थर्ड रेशियो क्या है, हमारा पहला रेशियो जो आया था सबको ऐड करके वो ये था ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, ठीक है टू सी बचा बाई एक्स से माइनस एक्स कट गया, ठीक है प्लस वाई माइनस वाई टू जेड, टू से टू कटा सी वाई जेड बन हो गया। ठीक है, तो ईच रेशियो मतलब हर एक रेशियो आपस में किसके बराबर है, एक्स बाई ए बाई एक्स दैट ग्रुप दैट ए बाई एक्स, तो जब ये आपस में सारे बराबर थे, सब आपस में ही बराबर थे, इधर का पार्ट सारा इक्वल था और इधर का पार्ट हमें ये मिला, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड। हेंस हेंस हम देख सकते हैं कि ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड, हेंस इट इज ट्रू। ठीक है, जब एल एच एस पार्ट हमारा सारा ही इक्वल था तो आर एच एस पार्ट का भी वैल्यू इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। होपफुली आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये 10 ईयर सॉल्व कर लिया तो आपको हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने का मौका मिलेगा, और अगर आप यहाँ से अप्रिशिएट होंगे तो अपने दोस्तों से भी बताइए ताकि वो इस चीज़ को करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।